फाइनली इतने लंबे ट्रैवल करने के बाद पहुंचने लगे हैं और पंचकूला पहुंचेंगे अभी थोड़ी देर में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग अच्छे होंगे। तो अभी फिलहाल एक नए दिन की शुरुआत हो गई है और आज नए दिन की शुरुआत ऐसी हो रही है कि मैं जा रहा हूं अभी तो फिलहाल सोलन तक जा रहे हैं, उसके बाद आगे का बताते रहेंगे कैसा कैसा क्या क्या विचार। तैयार हो गया हूँ और अब चल पड़ा हूँ। ठीक है मम्मी, जा रहा हूँ मैं, बाय बाय। तो मैं अभी जाता हूँ, मेरा वेट कर रहे कहीं रास्ते में लोकेश भैया और अखिल, उनके पास जाता हूँ। फिर आज न उन्होंने इतने जल्दी जल्दी करवाया मेरे से सारा कि जल्दी तैयार हो जाए, जल्दी जल्दी निकल और फिर चलते हैं। अब पता नहीं क्यों इतने जल्दी जाना है। पहुंच चुका हूं गाड़ी के पास और यहां पे मेरा इंतजार कर रहे हैं अखिल कल्याण एंड लोकेश भैया जो कि अंदर बैठ गए। ओहो, ये टेंट तो फिर भी दिखाई देगा जो नहीं दिखाना। ठीक है माऊ, चलते हैं। हम चल पड़े हैं, बैग बुक कर साइड। हम लोग पहुंच चुके हैं चढ़गांव नहीं पहुंचे, संदासू पहुंचे। संदासू में रुके हुए, लोकेश भैया गए हुए अपने घर नीचे, वहां से अपने कपड़े कुपड़े लेके आएंगे क्योंकि उनके उन्होंने कपड़े घर से कम लाए हुए थे ना, तो इस करके वो गए हुए। हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, मैं और फौजी साहब। अब ये इसके बाद निकलेंगे, फिर थोड़ी देर चढ़गांव रुकना पड़ेगा, फिर उसके बाद कंटिन्यू सफ़र होगा हमारा। चढ़गांव में थोड़े से काम है क्योंकि वहाँ से पेटी पुटी डालनी है ना सेब की, वो चंडीगढ़ पहुँचानी है। ऐसा ऐसा सीन है, लोग सिमोली क्योंकि यहाँ पे बनना है पॉल्यूशन हमारी गाड़ी का, तो पॉल्यूशन बनाने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। अब इसके बाद अब देखते हैं यहाँ से आगे कुछ जाएं या मतलब यहाँ से सीधा पहुँचेंगे हम आगे कहाँ पे, मैंदली पहुँच जाएंगे या फिर यहाँ से वापस जाके रोड होते हो जाना पड़ेगा। अगर ट्रैफिक वाला सीन होगा तो फिर तब तो मुश्किल है, तब इधर से निकल जाएंगे। अब थोड़ी देर में यहाँ पे पॉल्यूशन बन के रेडी हो जाएगा, फिर निकलेंगे बड़ी मुश्किल से यहाँ। तो यहाँ से हो चुकी है शिफ्ट चेंज, अब यहाँ से मुझे ड्राइव करना है। लोकेश भैया बैठ चुके हैं साइड में और गाड़ी के अंदर, इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे ना आवाज़ बहुत आती है ऐसे ना गाड़ी की ढूंढ। तो पहुँचते पहले जहाँ रुकेंगे और नेक्स्ट उसमें तब बताते हैं। कुफरी पहुँच चुके हैं, अब यहाँ पे लंच वंच करेंगे थोड़ी देर। और मौसम देखो गाइस, यहाँ का मौसम ना अलग ही दुनिया है। यहाँ पे धुंध धुंध चारों तरफ। लोकेश भैया तो अंदर भी चले गए खाना खाने क्योंकि इनको ना भूख ज़्यादा लग गई थी। अपने को भी ऐसे ही है, मतलब भूख काफ़ी लगी हुई है क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। ये देखो जी, मैं हैंड वॉश करके आता हूँ क्योंकि बहुत गंदे। तो लंच का वेट करते करते हो गए काफ़ी टाइम, बैठे बैठे थक गए और जैसे कैमरा ऑन होता वैसे ही सारे शांत हो जाते, कुछ भी बोलते नहीं है। तो इधर बंदा ऐसे अभी बंदे को वो किया जा रहा है चंडीगढ़, चल हमारे साथ सोलन में आना लब्बू, उसको ले जाना है। देखे वो उधर तो नहीं आते ना अभी, ये भी ना नहाए धोए बैठा हुआ है कहाँ, एक करीब बाईपास से पर कितना है कोटला नाला है 3 किलोमीटर, बीच में जाम में फंसे हम, जाम का बाईपास ना, बाईपास सब कहाँ कर दिया यार। अब तीसरा बंदा और होगा हमारे साथ चंडीगढ़ गाइस। तो फाइनली अपना लंच आ चुका है, अब लंच स्टार्ट करने की बारी है। हमारी मम्मी हमें खाना परोसेगी थोड़ी देर में, फिर शुरू हो जाएगा हमारा लंच। लंच करके फिर निकलना है शूट सोलन से बंदे को उठाना है, फिर निकलना है चंडीगढ़ पर पहुँचेंगे पता नहीं हम लोग। चलो तो लंच कर लेता हूँ पहले मैं। गाइस तो यहाँ से कुफरी से भी निकल गए हैं, अब तो सीधा मतलब सोलन ही जाके रुकेंगे, अब तो कहीं नहीं रुकेंगे बीच में। और शोर बहुत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा शोर है, पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी क्योंकि इसमें ना माइक बाहर की आवाज़ ही कैच कर लेता है जल्दी, अपने पास माइक है नहीं तो छोटी बातचीत कर। चलो चलते हैं हम सोलन की तरफ। गाइस तो पहुंच चुके हैं शिमला और शिमला स्टार्टिंग होते ही जाम में काफ़ी देर से फंसे हुए थे, तो अभी मुझे लगा कि क्यों ना
आपको भी दिखाया जाए कि हम लोग कब कितनी देर से जाम में फंसे हुए। अब जाके जाम खुला है जब मैं आपको बताने लगा। तो अभी करते हैं क्रॉस टनल, फिर आपको आगे की सीन दिखाते हैं। गाइस तो पुराने शहर में आके क्या मज़े आ रहे हैं। पुराने शहर में क्या मतलब, अभी तो काफ़ी टाइम से नहीं आए ना, तो इस जाम में भी मज़ा आ रहा है। जाम ही जाम है हम लोगों को मिलने के, और शीशा बड़ा गंदा है अपना, तो इस वजह से मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शीशे की हालत देख रहे हैं आप कैसी है। इसमें कुछ ज़्यादा ही धूल, अभी धूप जैसी इधर को पड़ती है ना तब ज़्यादा ही धूप दिखती है। तो बस जैसे हमें अच्छा सा व्यू मिलेगा तो वहाँ पर अच्छे अच्छे शॉट ले लेंगे। गाइस तो अभी हम लोग घूम रहे हैं सोलन में, क्योंकि हमें लेना था सिग्मा मेल को अपने साथ, जो कि आ चुका है। हेलो कर दो लबू जी, ये हमारे लबू भाई जिसे लेने हम लोग कहाँ गए थे, कुटला नाला कॉलेज तक गए हुए थे तब लेके आए। अब निकलेंगे यहाँ से चंडीगढ़, मतलब हम रात रात में ही पहुँचेंगे। तो फाइनली इतने लंबे ट्रैवल करने के बाद पहुंचने लगे हैं ओल्ड पंचकूला, पहुंचेंगे अभी थोड़ी देर में। और अपना शीशा भी थोड़ा साफ कर लिया था अभी हमने, फिर अभी थोड़ा क्लियर है बाहर, देखने में थोड़ी सी क्लियरिटी लग रही है पहले से। और बाकी फिलहाल अभी पहुंच जाते, पहले गाड़ी पूरी छोड़ देते हैं जहाँ हमने रखनी है गाड़ी उधर, फिर उसके बाद देखते हैं आगे के क्या क्या प्लान है, क्या क्या करना है, कहाँ जाना है। तो बस सारी चीज़ें आपको थोड़ी देर में डिटेल में बता देंगे हम। गाइस तो फाइनली पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ में, और गाड़ी छोड़ दी है मैकेनिक के पास। इधर कहीं है हमारी गाड़ी लगी, इधर बातचीत कर रहे हैं, इधर अपनी गाड़ी लग चुकी है। और अभी फ़िलहाल अपने को जाना है कहाँ, बल्टाना, जिरकपुर में जाना है, जिरकपुर जाना है बल्टाना। तो बस फिलहाल पहुँच चुके हैं रूम पे, और आधे तो नहाने गए हुए, आधे इधर है। ये मिलो हमारे भाई अब्बू से, अब्बू हमारे भाई जो कि इधर ही था, और बहुत अच्छा हुआ कि अब्बू इधर था तो हम लोगों को यहाँ पे आने में ना कोई दिक्कत। फिर अब्बू था, अदरवाइज तो यहाँ पे लॉक लगा हुआ था, फिर लॉक तोड़ना पड़ना था, बड़ा लंबा सिस्टम था। फिर उस करके अब्बू को फ़ोन किया, अब्बू ने बोला मैं इधर ही हूँ, तो बोला आ जाओ। गाइस एक मस्त बात तो मैं आपको बताना भूल गया, मुझे दी है मेरे एक सब्सक्राइबर ने प्यारी सी बोतल। सोचा होगा क्या स्लाइस की पुरानी बोतलों में पानी पीता रहता है, तो इस बोतल के लिए बहुत ही सुंदर बोतल है दी गाइस, बहुत ही शानदार। यहाँ देख मज़ा आ गया इसको देख के ना, पूरा दिन हमने आज इसी में पानी पिया है। तो मैं ये कह रहा था बहुत दिल से थैंक यू सो मच इस बोतल के लिए। तो बस फिलहाल अभी मैं भी नहा लेता हूँ, क्योंकि ना बहुत पसीने वाला सिस्टम हो गया है, तो नहा के फिर देखते हैं क्या अपडेट है। गाइस तो मैं और अब्बू चल पड़े हैं डिनर लेने, दुल्हनिया आज की। अब तो हटा तो दे नहीं, अब नहीं है, अरे नहीं अब निकल रहा हूँ। ये देखो ब्यूटी, दे दो टावल दे दो। आज हम दोनों साथ सो रहे देख रहे। तो अभी थोड़ी प्लानिंग में चेंज है, मैं और सिग्मा मेल जा रहे हैं अभी कहाँ, आइसक्रीम ढूंढने, क्योंकि इसका मन है, क्रेविंग हो गई है उसकी, काहे की आइसक्रीम कहाँ है ब्रो है? नहीं नहीं पर नंगी लंबे पड़े हुए थे। तो मैं और लबू जा रहे हैं अभी कहाँ, आइसक्रीम लेके आते, फिर जाते अभी जरा मार्केट में। कुत्तों ने नीचे दौड़ाया भाई, देखियो चले ठीक है लोकेश भाई, आते हैं हम। और लब्बू दोनों मार्केट में घूमने लगे, और मार्केट है बंद, पूरी तरह से बंद है। पहले एक मतलब दिखा था इसे ठेले वाला जो लेके जा रहा था ना, क्या नाम कहते हैं उसका, आइसक्रीम, तो अभी वो भी पता नहीं कहाँ ही चला गया है, वो भी दिख नहीं रहा है।
मतलब हम थोड़ी देर में, जितनी देर में नीचे पहुंचे रोड में, उतनी देर में वो गली क्रॉस करके ही चला गया। चलिए फिर, मैं और लब्बू पहुंच चुके हैं रूम पे और रात के बज चुके हैं 12। अभी हम लोगों को वो तो मिला नहीं, क्या ना बोलते उसको, आइसक्रीम तो मिली नहीं, तो अब रेस्ट करने का सोच रहे हैं, हम सो जाते हैं। तो इस ब्लॉग में इतना ही, इस ब्लॉग को कर रहा हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सारी चीज़ें तब आके कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।